नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाई का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि जो प्लम्बर द्वारा पाइपें निकाली जाती है लेंटर से, और उस जगह पे होल हो जाता है। तो होल होने के कारण जब बारिश पड़ती है छत पे तो पानी लीकेज होता है। उस होल को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, किस तरीके से बंद कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में यही दिखाया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये पाइपें लगी हुई हैं, इस पाइप जी जहाँ से लीकेज होता है ये फट चुका है। अब हम इस जगह से लीकेज बंद करेंगे। जो बारिश का पानी पड़ता है छत पे, वो पानी जहाँ से निकलता है वो पूरी दीवार जो गीली हो जाती है, और इसका जहाँ से हम इलाज करेंगे इसको पहले हम खोद लेते हैं। जी पहले सीमेंट लगा हुआ था, जी चिपका नहीं था, जिसके कारण जो लीकेज होता था। हमने इसको उखाड़ के पीछे कर लिया। अब थोड़ा सा हम जहाँ पे होल करेंगे, फिर इसमें दोबारा ब्लैक वाला सीमेंट होता है वो भरेंगे इसमें, तभी जो हमारा लीकेज बंद होगा। साथ में जो एक जहाँ पे पाइप लगा हुआ है 3 इंच का, जो बारिश का पानी जिसमें जाता है वो बाहर को निकलता है, इसको भी देखेंगे छत पे लीकेज क्यों है। पहले अच्छी तरह हम जहाँ पे खुदाई कर लेते हैं। इसी जगह से जो पानी लीकेज होता था और पूरा दीवार जो गीला हो जाता था। ये पाइपें बहुत ही लूज हैं, सीमेंट नहीं भरा है, जो खाली हैं। इसमें अच्छी तरह से सीमेंट भरना चाहिए, तभी जो लीकेज बंद होती है। ऐसे बारिश का पानी इसमें से निकल जाता है। जहाँ पे छत पे टैंकी लगी है, वाटर टैंक, आप देख सकते हो जे इस वाटर टैंक की जो पाइपें इस हिसाब से निकाली गई है नीचे। आप भाई देख सकते हो जी, हमने बिल्कुल ही खाली कर दिया। अब हम जहाँ पे सीमेंट डालेंगे, जो ब्लैक वाला सीमेंट है उसमें थोड़ा सा रेता ही मिक्स कर लेंगे और सीमेंट मिक्स करके डालेंगे। जब हम नीचे आए छत के तो देखा तो लीकेज हो रहा था पानी, इन पाइपों के साथ साथ नीचे पानी आ रहा था। तब हमने उंगली लगाई तो जहाँ से सीलन मिली हमें, अब हम इसको बंद करेंगे ऊपर जाके। जी हम छत के नीचे की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं कि जहाँ से लीकेज बहुत पानी होता था और पूरी दीवार ख़राब हो चुकी थी। अब हम इसको ऊपर जाके रिपेयर करेंगे कि कैसे ये रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों, हमने इस जगह में पानी डाला तो पानी नीचे निकलने लगा, तभी हमें पता चला कि जहाँ पे लीकेज है। अब हम इस जगह को पूरा भरेंगे सीमेंट के मसाले से, इस जगह को, और जो जहाँ पे बारिश का पानी निकलने के लिए पाइप लगाया गया है इस जगह से भी जो लीकेज था, इसको भी हम कवर करेंगे, रिपेयर करेंगे, तभी ये ठीक होगा। अब हम मसाला थोड़ा बना रहे हैं। इसमें सीमेंट डाला है, थोड़ा रेता डाला है, और जो रेत से निकला हुआ जो छोटा छोटा बजरा होता है ये वाला, ये हम मिक्स कर लेंगे इसमें। इस मटेरियल को मिक्स करके उस जगह पे हम भर के, पहले हम सीमेंट डाल लेंगे, सूखा सीमेंट फेंक लेते हैं किनारे किनारे पे, जो चिपक जाए थोड़ा लेंटर से। इसमें पानी डाला है, पानी को निकालना पड़ेगा। अब हमने पैपों के इर्द गिर्द पूरा ही मसाला डाल दिया है और अच्छी तरह इसको भर दिया है। अब इस जगह से लीकेज कभी नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने पहले खोदा, उसके बाद हमने इसकी भराई की मसाले के साथ। तरह से भर चुके हैं यहाँ से, अब ये कभी लीकेज नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी,
अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।